Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम जा रहे हैं अभी टुंगना टेंपल, और राइट नाउ वी आर इन चोपटा, और यहाँ से हम करेंगे ट्रैक। और चोपटा को बोला जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। अब मैं बताता हूँ यहाँ मैं आया कैसे। मैंने पकड़ी ट्रेन दिल्ली से हरिद्वार की, और वहाँ से ऑटो से मैं पहुँचा ऋषिकेश बस स्टैंड। ड्यू टू पीक रीजन ऋषिकेश प्राइवेट बस स्टैंड से उकी मटकी कोई बस नहीं थी, क्योंकि सभी बस केदारनाथ के रूट पर जा रही थी। आपको ऋषिकेश बस स्टैंड से 7 AM और 9 AM उकी मटकी बस मिल जाएगी, और ये बस कुछ इस प्रकार की होगी। 9 AM वाली बस शुरू होती है देहरादून से, और ऋषिकेश श्रीनगर रुद्रप्रयाग होते हुए उकी मठ पहुंचती है शाम को 5 बजे। ऋषिकेश से चोपटा के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो आप उकी मठ ही स्टे करें, क्योंकि उकी मठ में आपको मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और मेडिकल की फैसिलिटी आराम से मिल जाएगी। और चोपटा में नेटवर्क भी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी की काफी प्रॉब्लम है। उकी मठ सिटी में 3 से 4 ही होटल है, और यहाँ पे आपको 1000 रुपए में एक डिसेंट रूम मिल जाएगा। तो फिर हमने उकी मठ में ही स्टे करना बेटर समझा। वैसे आप चोपटा में भी स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे 2-3 ढाबे है, मगर इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क दोनों ही अवेलेबल नहीं है। और रहने के लिए जो होटल है वो उकी मठ से भी कॉस्टली है, मगर एक एडवांटेज ये रहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि हमने स्टे किया था उकी मठ में, तो आपको उकी मठ से चोपटा जाने के लिए आपको इस तरह की कार शेयरिंग मिल जाएगी। हम गरीबों के दिन बन जाएंगे। अरे भाई यार सुन, एक बात बताऊं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग ही ट्रैकिंग स्टार्ट कर दें, ताकि आराम से आपकी ट्रैकिंग पूरी हो सके। और ट्रैकिंग करने के लिए जो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो मैं दिखाता हूँ आपको। स्टार्टिंग में ही रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ दुकानें हैं। तो इस ट्रैकिंग को हम चालू कर चुके हैं, और मेरे साथ है गगन और हिमांशु, मेरे हैं दिल्ली के दोस्त, वाइफ, और ये दो दोस्त हमें मिले रास्ते में, और हम सारों कर रहे हैं ट्रैकिंग अभी। और ट्रैकिंग आप आराम से कर सकते हो, और रास्ता कुछ इस प्रकार है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और हमें करीब ट्रैक करना है 3 किलोमीटर टूरिस्ट चिल टुंगनाथ, और टुंगनाथ से चंद्रशिला है वो है 2 किलोमीटर। आप घोड़ा कच्चर की सवारी भी कर सकते हैं, और चोपटा से टुंगनाथ के लिए 700 रुपीज है एक तरफा, और आना जाना 1000 रुपीज। देख पा रहे हो लोग वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, और वहाँ से आप थोड़ा यहाँ पे साइड वे भी आ सकते हो, जहाँ से बहुत ही बढ़िया सीन है यहाँ पे, देख सकते हो। अब जैसे चल रहा है जून का मंथ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फूल है नहीं। वैसे अगर आप आते हो सेप्टेम्बर के आसपास, तो यहाँ पूरे पेड़ों में बहुत बढ़िया फ्लावर्स रहते हैं। और हमने अब ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं भोले जी का नाम लेके, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेक श्योर कि आप ट्रैक करने से पहले थोड़ा हल्का खाना ही खाए, क्योंकि हमारे पार्टनर्स ने थोड़ा हैवी खाना खा लिया है, इस चक्कर में उनको दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। और खाने की फैसिलिटी यहाँ पर काफ़ी है, जैसे जहाँ पर जहाँ से ट्रैकिंग चालू होती है वहाँ पर बहुत सारे शॉप आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर सेफ्टी पर्पज़ के लिए इस तरह ग्रिल लगाई गई है, जिससे आप आराम से पकड़ के चल सकते हो। और रास्ता इतना टफ नहीं है, अगर आप आराम से चलोगे तो इजीली आप इस ट्रैक को कर सकते हो। और यहाँ पे काफी सुंदर व्यू आ चुका है। एक किलोमीटर ट्रैक करने के बाद एक खुला मैदान आता है, और उसकी सुंदरता को देखकर हमने सोचा क्यों ना यहाँ बैठकर रिलैक्स किया जाए। यहाँ पे आप हरे भरे मैदान पे बैठकर पहाड़ों को देख सकते हो। What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We're living. Like this could be our final day.
ये जो आप जिगजैग पाथ देख रहे हैं यही रास्ता तुंगनाथ जाता है। और अब तक हमने 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करी है और यहाँ से प्रॉपर खड़ी चढ़ाई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़ी चढ़ाई भी है, बट हम इसके वजह हम ये वाला रास्ता प्रेफर करेंगे बिकॉज इसमें थोड़ा एडवेंचर है। हाँ, और यहाँ से हम जाएंगे सीधा ऊपर, बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएंगे करीब करीब हम, यार थोड़ा टाइम तो बचा ही लेंगे इस चक्कर में। ये जो बीच में आप देख रहे हो ब्लू कलर में, वो है वॉशरूम सेंटर। जैसा आप सब देख सकते हैं ये रास्ता बेशक छोटा है बट इसमें आपको पावर चाहिए, आप एडवेंचर के चक्कर में ना रहें। अगर आप सच में एडवेंचर वाले इंसान हैं तो आप चढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं चाहूँगा कि आप सिंपल रास्ता यूज़ करें। और वहाँ से होते हुए आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव और पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। अब तक आने लग गई है, हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो लोग एडवेंचर में बिलीव करते हैं उन लोगों के लिए ये रास्ता बहुत ही परफेक्ट है। ये थोड़ा रिस्की भी होता है बट अगर आपको एडवेंचर चाहिए तो आई बेट कि आपको इससे अच्छा एडवेंचर कहीं नहीं मिलेगा। आप सबसे अनुरोध ये है कि प्रकृति को हमेशा स्वच्छ रखिए। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी को हमने पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो ये रास्ता आप देख रहे हो हमें इसको सीधा पार करना है और इसके बाद पहुंचेंगे हम सीधा तुंगनाथ टेंपल। यहाँ पे ऊपर चलने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह नज़ारा है और आप देख सकते हो, और यहाँ पे ना रावण ने यहाँ पे तपस्या करी थी इस जगह पे, जो ये पीक देख पा रहे हो यहीं पे तपस्या की गई थी ऐसा यहाँ का माना गया है। काफ़ी ज़्यादा डेडली व्यू है, एकदम खतरनाक व्यू। A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man, passing by, life is good, best I've ever felt. आप बैठ के हम थोड़ा चिल कर रहे हैं क्योंकि काफी थक चुके हैं और नज़ारा बहुत बढ़िया है यहाँ से। और ठीक पीछे जैसे मैंने आपको बताया ये वही पहाड़ है जहाँ पे बोला जाता है कि रावण ने यहाँ पे तपस्या करी थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. और यहाँ से वैसे आप जा सकते हो, बस थोड़ा सा बचा है और आप वहाँ पे सामने देख पा रहे हो बिल्कुल, वो है तुंगनाथ टेम्पल। और हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से शॉर्टकट से होते हुए वहाँ पहुँच जाए। तुंगनाथ में आपको एक दो होटल मिल जाएंगे अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हो तो, और पूजा पाठ की भी दुकानें हैं। अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं प्रसाद भगवान जी को चढ़ाने के लिए, 100 रुपये मिल रहा है यहाँ पे। 101 में तेल नहीं मिलता और ये है तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। तुंग का मतलब होता है चोटी और नाथ मींस स्वामी, चोटियों के स्वामी, जिसको बोला जाता है लॉर्ड ऑफ पीक्स। और ये बात मुझे तब समझ में आएगी जब मैं चंद्रीशिला पे होऊंगा। और अब जरा तुंगनाथ टेंपल की हिस्ट्री जान लेते हैं। ये मंदिर हजारों साल पुराना है, ये बनाया गया था महाभारत के हीरो पांडवस के द्वारा
पांडवों को ऋषि व्यास ने सलाह दी थी कि वो अपने चचेरे भाई कौरवों को मारने का पाप केवल तभी धुल सकते हैं जब वो भगवान शिव की पूजा करें और उनको प्रसन्न करें। परंतु भगवान शिव इस अपराध से खुश नहीं थे। पांडवों से छुपने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और उत्तराखंड के गुप्त काशी में शरण ले ली। फिर भी बैल रूपी शिव को पांडवों ने पहचान ही लिया और फिर भगवान शिव उनकी भक्ति से खुश हुए और बैल रूपी शिव के अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, भुजाए तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, चटाए कल्पेश्वर में। और इन 5 स्थान में पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया जिन्हें हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। और पंच केदार में तुंगनाथ 3रा केदार है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करना। नंदी जी को भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है, इसलिए पुराने शिव मंदिर के आगे हमेशा आपको नंदी जी की प्रतिमा अवश्य मिलेगी। तो महादेव से मिलने से पहले नंदी जी को हमेशा प्रणाम करिए। शिव जी के मंदिर के साथ ही पार्वती जी का भी मंदिर है जिनको शैलापुत्री भी कहा जाता है, मीन्स डॉटर ऑफ माउंटेन। पांडवस ने अपने लिए 5 आकृति भी बनाई थी जिसमें सबसे पहले है भीम, फिर अर्जुन, युधिष्ठर, नकुल और सहदेव, और ठीक उसके साथ ही भैरवनाथ जी का मंदिर। और थोड़ा आगे जाने के बाद भूतनाथ टेम्पल भी है। खुशबू आ रही है भांग और गांजे की, लगता है खुड़ी खिड़की खुली रह गई है मेरे भोले। यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि मंदिर बंद हो चुका है, तो अब हवन करें। हम करीब 2:30 बजे तुंगनाथ पहुंचे और यहां से हमने ब्यूटीफुल नजारों को एंजॉय किया और फिर हम निकल पड़े आगे की ट्रैक की ओर। तो दोस्तों आज हम चंद्रशिला के लिए निकल चुके हैं, तुंगनाथ आए हुए थे। तो यहाँ से 1 ही किलोमीटर की दूरी है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते मैं आपको दिखाना पसंद करूँगा। रास्ता काफ़ी खतरनाक ही नज़र आ रहा है देखो, और इस तरह पूरी खाई है। वो हमें जाना है सबसे ऊपर यहाँ से होते हुए चंद्रशिला। ठीक सामने आप देख सकते हैं तुंगनाथ टेम्पल और उसके सामने से ही निकलता है चंद्रशिला के लिए रास्ता, और हम अभी इसी मार्ग पे हैं। तुंगनाथ से चंद्रशिला का रास्ता काफी एडवेंचरस है। यहाँ पे शॉर्टकट रास्ते भी हैं जो कि हमने चूज किया, मगर वो थोड़े रिस्की भी है। जैसा कि आप देख सकते हो चंद्रशिला के लिए रास्ता थोड़ा टफ एंड रफ है और इस टफ रास्ते को क्रॉस करते ही खुला मैदान आता है जहां से व्यू काफी सुंदर है। और अब ये लास्ट खड़ी चढ़ाई ही करनी है हमें बस। और इतनी चढ़ाई करने के बाद हम सामने हमें दिखाई दे रहा है चंद्रशिला, बस इतना ही है बाकी। What's your story? What's your sign? It's like with twin flames. अब हम पहुंच चुके हैं चंद्रशिला जो है 4000 मीटर अबव द सी लेवल, जो कि लगभग हाफ हाइट है माउंट एवरेस्ट की। चंद्रशिला में ये मंदिर मई मंथ से दिवाली तक ही ओपन रहता है क्योंकि उसके बाद इस एरिया में काफी ज्यादा बर्फ हो जाती है, और ये करीब 5000 साल पुराना मंदिर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पीक का नाम चंद्रशिला क्यों रखा गया। कहा जाता है राजा दश की 27 कन्या में से एक रोहिणी से चंद्रमा को प्रेम हो जाता है, जिससे क्रोधित होकर राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया
और चंद्रमा को 6 रोग हो गया और उसी शाप से मुक्ति के लिए चंद्रमा ने शिव जी की तपस्या करी। तब से इस स्थान का नाम चंद्रशिला पड़ गया। एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि चंद्रशिला में आपको एयरटेल और जियो का नेटवर्क फुल मिलेगा। बैठ कर आराम से ऐसी हरकतें भी कर सकते हो। रॉक पजल खेल रहे हैं। रॉक पजल शायद गिरे ना इस वक्त। गिरेगा 100% का। गिर सकता है। गिर गया। और यहाँ पे लोग आकर ऐसी कलाकारी भी दिखाते हैं। लेफ्ट में जो आप पीक देख रहे हो वो है नंदा देवी, मिडिल में है त्रिशूल 1 और राइट साइड में है त्रिशूल 2। ठीक वहाँ पे है चंद्रशिला पीक, ठीक है, जहाँ पे शिव जी का मंदिर है। और वहाँ से थोड़ा सा ही आप आओगे और यहाँ पे है श्री राम जी का छोटा सा मंदिर, बहुत प्यारा, मैं दिखाता हूँ आपको। चंद्रशिला इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि राम जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, क्योंकि उन्होंने रावण की हत्या की थी जो कि ब्राह्मण हत्या थी, तो यहीं पे उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी। प्यारी जगह, बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ पे श्री राम जी की मूर्ति और शिव जी का नाम। Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. एक्चुअली हमने अपनी जर्नी ख़त्म कर दी है और हम पहुँच चुके हैं चंद्रशिला। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी करीब 7-7:30 बजे के आसपास, अब बच चुके हैं 3:30, जो हमने सभी सोचा नहीं था। बट हाँ, हमने आराम से बैठकर मज़े करते हुए व्लॉग बनाते हुए वीडियो बनाते हुए खाते पीते आराम से आए, क्योंकि हमें कोई हरी में हम थे नहीं और हम आराम से शाम को पहुंच सकते थे इसलिए। बट अगर कोई यहाँ पे काफ़ी फिजिकली फिट है और फ्रेंड्स के साथ है और एक्टिव है फिजिकली, तो वो आराम से इसको 3-4 घंटे में नीचे चोपटा से चंद्रशिला पहुंच सकता है। चोपटा से तुंगनाथ पहुंचने के लिए आपको लगेगा करीब 2.5 घंटे लगेंगे और तुंगनाथ से चंद्रशिला आप 1 घंटे में पहुँच जाओगे। और यहाँ से जो व्यू है बहुत ही मज़ेदार है और मैं दिखाता हूँ मैं एक्चुअली कहाँ इस पर बैठा हूँ और मैं कैमरा चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए बहुत ही अद्भुत, एक्चुअली थोड़ा कोहरा हो चुका है इसलिए व्यू क्लियर नहीं है। वैसे हमने सोचा था कि हम सनराइज देखेंगे बट हमें नसीब है सनसेट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करना।